दोस्तों, भारत देश के अंदर लगभग 200 से अधिक कंपनियों के होते हुए भी एक भारतीय ब्रांड ने मात्र 5 साल के भीतर एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जिसने JBL, सोनी और बोस जैसी बड़ी कंपनियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। और वो कंपनी है बोट लाइफस्टाइल, और इस कंपनी को खड़ा करने वाले शख्स हैं अमन गुप्ता। दोस्तों, 2016 के पहले ईयरफोन और हेडफोन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन जियो के भारत में लॉन्च होने के बाद मार्केट में 4G फोन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसका फायदा शाओमी मोबाइल कंपनी ने खूब उठाया और कुछ ही सालों में मोबाइल मार्केट का टॉप ब्रांड बनकर लोगों के सामने आया। वहीं दोस्तों, 2016 के पहले लोग दिन में काफी कम ही मोबाइल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जियो के फ्री डेटा के कारण अब लोगों को ज्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देखने व ऑडियो सुनने में व्यतीत होने लगा, जिससे लोगों को अच्छे ईयरफोन और हेडफोन की जरूरत पड़ने लगी। बात तो सही है। वहीं मार्केट में उस समय काफी साधारण ईयरफोन मिला करते थे जो लोगों के लिए काफी नहीं थे। 4G डेटा के माध्यम से वीडियो की क्वालिटी तो बढ़ गई थी, लेकिन ऑडियो को अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए अभी भी मार्केट में कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं था। जो भी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद थे उनका प्राइस काफी ज्यादा था, जो आम लोगों के बजट से बिल्कुल बाहर था। दोस्तों, ज्यादा 4G फोन बिकने के साथ साथ ईयरफोन और हेडफोन का भी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे काफी सारी कंपनियों ने इस मार्केट में एंट्री ली और मार्केट में कंपटीशन जीवित रखा। वही दोस्तों, बोट लाइफस्टाइल ईयरफोन, हेडफोन और स्मार्ट वॉच बनाने वाली एक भारतीय कंपनी है। बोट अफोर्डेबल, फैशनेबल और ड्यूरेबल ऑडियो प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी ने मात्र 5 साल के भीतर 22,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी और मार्केट में यह टॉप ब्रांड बनकर सामने आ चुका है। वैसे तो बोट कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन उस समय ये एप्पल के चार्जर और चार्जिंग केबल बनाया करते थे। उस समय एप्पल की चार्जिंग केबल काफी जल्दी खराब हो जाया करती थी, जिससे एप्पल के यूजर्स इससे काफी ज्यादा परेशान रहते थे। वहीं दोस्तों, एप्पल यूजर्स ने इसकी काफी ज्यादा शिकायत भी कर रखी थी, लेकिन फिर भी एप्पल इस समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका फायदा तब बोट कंपनी ने उठाया। उन्होंने 1500 रुपए में एप्पल का चार्जिंग केबल बेचना शुरू कर दिया और लोगों को यह प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया। कुछ ही समय में यह अमेज़न की वेबसाइट में बिकने वाला सबसे टॉप प्रोडक्ट था। दोस्तों, अमन गुप्ता ने ईयरफोन मार्केट में घुसने से पहले 2 साल रिसर्च में लगा दिए ताकि इनको इस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। जब अमन गुप्ता ने समीर मेहता के साथ बोट कंपनी की शुरुआत की तो इन्होंने रिसर्च में पाया कि भारत की ईयरफोन मार्केट 30 से 40 बिलियन की है और ये हर साल 20-30% के रेट के साथ बढ़ रही है। वहीं मार्केट में सस्ते ईयरफोन व हेडफोन की भरमार है, लेकिन उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया होती है, जिससे वह कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। और एप्पल, JBL, सोनी और बोस जैसी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बनाती तो थी, लेकिन इसके प्राइस आम आदमी के बजट के बिल्कुल बाहर थे। सस्ते में जो ईयरफोन मिलते थे वो दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं होते थे, जिसकी वजह से लोग उसको फैशन का जरिया नहीं समझते थे। वहीं भारतीय लोगों को बेस बहुत पसंद होता है, आप चाहे तबला की बात करें या ढोलक की, भारत के कल्चर में बेस की डिमांड हमेशा से रही है, लेकिन उस समय की ज्यादातर कंपनियों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों, इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2016 में एक नए मार्केट में कदम रखा और अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। बोट कंपनी ने ईयरफोन और हेडफोन्स के मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही तय कर लिया था कि वो ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। जियो के आने के बाद फोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, भारत के ज्यादातर युवा इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ चुके थे और ऑनलाइन खरीदारी भी करने लगे थे, जिसका फायदा अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही थी। इसीलिए बोट ने भी इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, शुरुआत में इनके पास एड्स के पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया और फेसबुक व इंस्टाग्राम में एड के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया। जिन भी लोगों ने इनका प्रोडक्ट खरीदा उनको पसंद आने के बाद उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में बताया और ऑनलाइन रिव्यू भी लिखे, जिससे इनके प्रोडक्ट लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और वहीं दोस्तों, इन्होंने युवाओं के बीच फेमस बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और फेमस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को भी अपने एड में लिया, जिससे युवा इनके ब्रांड के साथ रिलेट कर पाए। वहीं फेमस क्रिकेटर्स जैसे हार्दिक पंड्या, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन आदि को भी अपने ब्रांड से जोड़ा। दोस्तों, बोट कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिसर्च पर काफी ज्यादा समय लगाया, जिससे उनको मार्केट के बारे में काफी जानकारी मिली और उनके टारगेटेड कस्टमर को समझने का भी मौका मिला। इन्होंने जब अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया था, तब वह अचानक से लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले रिसर्च में समय दिया गया, जिससे उन्हें लोगों की जरूरत के बारे में पूरी
मिली जानकारी थी। दोस्तों, बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता इस कंपनी के शुरू होने के पहले JBL जैसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, जिससे उन्हें ये पता चल गया था कि भारत में ईयरफोन और हेडफोन का मार्केट काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी कंपनी अपने कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करके फायदा उठा रही है। वहीं दोस्तों, बोट ने अपने प्रोडक्ट की डिजाइन काफी अच्छी रखी ताकि दिखने में काफी अच्छे लगे और इनका प्राइस भारत के मिडिल क्लास जनता के हिसाब से भी कम रखा। भारत के लोगों को म्यूजिक में बेस काफी ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट में बेस रखा। दोस्तों, बोट के फाउंडर्स की बड़ी सोच और कुछ अलग करने के जज्बे ने ही आज इस कंपनी को भारत में टॉप कंपनियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और यह कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और कंपनी की वैल्यूएशन में लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों, ये थी बोट की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।